हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? वी स्टार्टेड चैप्टर 10 साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। आज हम चैप्टर 10 साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि साइबर थ्रेट्स होता क्या है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव बिकम इंसेपरेबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ इन मल्टीपल स्फीयर्स दीज डेज। क्या हो रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी लाइफ का क्या है, एक पार्ट बनता चला जा रहा है और इसके बिना हमारी लाइफ अब अधूरी सी हमें लगने लगी है। ये जो है द बूमिंग टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न एज है मेड हमारी लाइफ को ईजियर बनाती जा रही है, कनेक्टिंग ग्लोब वाया इंटर कनेक्टिंग नेटवर्क, और हम अपनी लाइफ को नेटवर्क से कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। नाउ अ डे बाय डे क्या हो रहा है, कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय मैनी मीन्स। इंटरनेट से कनेक्ट होने का कई कारण होता है, जैसे कि हमें क्या करना है, अपने स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है या टैबलेट है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। और ये जो गैडजेट्स हैं, इसका यूज़ हम कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बुकिंग टिकट्स है, कुछ गेम्स को प्ले करना है, या अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना है ओवर सोशल मीडिया के थ्रू, तो इसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। All through network of today we have simplified the communication process and provide great opportunities in almost all spheres. क्या होता है, नेटवर्क जो आजकल जो है सिंप्लीफाई बहुत ही आसान हो रहा है कम्युनिकेट करने के प्रोसेस में, और ये हमें प्रोवाइड कराता बहुत ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी हमें चुनौतियाँ देता है सारे ही स्पेयर्स में, सारे ही पहिए हमारे लाइफ के पार्ट में, और ये एक वेरियस टाइप ऑफ चैलेंज हो गया है और इसमें कुछ थ्रेट्स इसमें इससे संबंधित हो गए और वो इसका यूज़ नेटवर्क के थ्रू आजकल करते हैं। इस प्रकार के थ्रेट्स को हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ होता जा रहा है, ये हमारी लाइफ का एक वाइटल पार्ट होता जा रहा है, ये हमें बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, हमें काफ़ी चीज़ें हमें देता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें कुछ क्राइम्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। साइबर क्राइम क्या होता है, ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है जो इंटरनेट के थ्रू की जाती है, जैसे आइडेंटिटी थ्रेट, जहाँ पर कुछ क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड को स्टील चुरा लेते हैं और उसका यूज़ कर देते हैं फेक ईमेल में, लोगों को इसमें जोड़ लेते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देते हैं लोगों को, प्रोडक्ट कर देते हैं, विनिंग करना है जैसे कोई लॉटरी है, लालच दे देते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं, आपको लॉटरी मिल जाएगी, इतना इतना आप पैसा लगाओगे तो आपकी लॉटरी खुल जाएगी, या इस वाले आप क्या कहते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें बहुत सारी क्राइम्स होने लगे हैं। देयर आर क्रेडिट कार्ड अकाउंट थ्रेफ्ट, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का गलत यूज़ करते हैं लोगों के, या फ्रॉड इंटरनेट में फ्रॉड करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं सामान का और वहाँ पर आपका नाम डाल देंगे, दूसरे इंसान का पर्सन का नाम डाल देते हैं, एक्सक्रेटिंग मोबाइल फ़ोन नंबर को उसके कॉन्टैक्ट का गलत यूज़ करते हैं, फॉर्जरी करते हैं, इमिटेटिंग करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी करेंसी पैसे की, हैरेसिंग करते हैं दूसरे लोगों को, मिसचीफ मॉन्गरिंग गलत गलत उनको गलत गलत मैसेज डाल देते हैं, सेंडिंग थ्रेडिंग मैसेज, और इस तरीके से ये सब अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो मॉनिटराइज की जा रही हैं। साइबर क्राइम जो है वो डिवाइड करते हैं हम तीन प्रकार की कैटेगरी में, जैसे क्राइम होता है इंडिविजुअल किसी एक पर्सन को, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था या किसी सोसाइटी को क्राइम होता है। तीन तरीके से होता है, जैसे कि हम देखते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट एक किसी पर्सन को, हम कैसे लोग कैसे उसको क्राइम करते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लीजिए ऑफेंसिव दिस कॉज अटेम्प्ट टू कॉज हार्म टू थर्ड इंडिविजुअल पर्सन को क्या करते हैं, कमिटेड करते हैं, जैसे ईमेल शॉपिंग, किसी को ईमेल भेज दिया, शॉपिंग मीन्स होता है होक्स और मिसलीडिंग, किसी को मिसलीड कर दिया, आप यहाँ पे जाओगे आपको वो एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे आप फॉर्म भरोगे, इतना पैसा दोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इस तरीके से किसी को मिसलीडिंग कर देते हैं। रिसीविंग ए मैसेज फूल्ड इनटू बिलीवर्स, और किसी को आप मैसेज डाल दिया आप अपना इतना सोना दोगे तो इसके बदले में आपको इतना ज़्यादा ये चीज़ मिल जाएगी, आप अपना अकाउंट बताओगे आपको ऐसा हो जाएगा, तो मिसलीडिंग कर देते हैं लोगों को और उन्हें फूल मतलब मूर्ख बना देते हैं।
कि इस तरीके के मैसेज जब रिसीव करता है तो ट्रस्टेड सोर्सेज को, दूसरे पर्सन जो है उसे ट्रस्ट कर लेता है और वो उसको लगता है ये सब चीज़ें सही हैं और उसके बाद वो इसमें फंस जाता है। व्हेन अ यूज़र क्लिक, और कोई भी यूज़र किसी लिंक के ऊपर जैसे ही उसने क्लिक करा और वो फॉल्स होता है, और क्लिक करते ही क्या होता है, उसका जितना भी अकाउंट है वो सारा खाली हो जाता है। साइबर स्टॉकिंग के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है, अटैकर क्या करता है, हैरास करता है विक्टिम को थ्रू ईमेल के थ्रू, उसे कुछ कुछ मैसेज, खराब मैसेज भेज देता है, सोशल मीडिया के थ्रू उसे कर सकता है, चैट रूम में जाके उसके साथ बदतमीजी कर सकता है, ब्लॉक्स कर सकता है, इंस्टेंट मैसेज देता है खराब खराब। तो जो स्टॉकर कैन बी ऑनलाइन स्ट्रेंजर भी हो सकता है, पर्सन जिसे आप नहीं जानते हो और वो आपको टारगेट करता है, और इस तरीके से साइबर स्टॉकिंग जो है पर्सन टू पर्सन हो जाती है। जैसे हैरास कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया विक्टिम को, जो विक्टिम है पोस्टिंग कर दी खराब खराब इन्फॉर्मेशन उसको दे दी उसके बारे में, या उसकी पिक्चर के साथ में, उसकी पिक्चर किसी और की पिक्चर के साथ लगा के कुछ गलत गलत पोस्ट कर दिया, या उसकी पिक्चर लगा के उसके नीचे कुछ खराब खराब लिख दिया। मॉनिटरिंग अ व्यू विक्टिम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है ना, और डैमेज करता है विक्टिम की कंप्यूटर में, जो सेंडिंग वायरस वायरस को भेज के कर सकता है, इस तरीके से साइबर स्टॉकिंग होता है। अब हम देखते हैं साइबर बुलिंग क्या होता है। साइबर बुलिंग जो होता है ये भी एक प्रकार की हार्मिंग होती है, हैरेसिंग थ्रो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेलिब्रेट करता है मैनर में, इस तरीके से क्या होता है, हैरेस करता है, हार्मिंग हैरेसिंग थॉट इन्फॉर्मेशन, कुछ अलग अलग प्रकार के थॉट विचार भेज देते हैं उसको, और क्या होता है, इंक्लूड इंसल्टिंग रिमार्क, खराब गंदे गंदे रिमार्क लिख दिए उसके बारे में, है ना, मैसेज डाल दिए ईमेल के थ्रू, या फिर स्प्रेडिंग कर दी रूमर अबाउट द पर्सन, पर्सन के बारे में चारों तरफ कुछ कुछ खराब खराब चीज़ें फैला दी, या फिर सोशल नेटवर्किंग या साइट पे उसको जाके खराब बोल दिया, कुछ गंदा बोल दिया उसके बारे में, पोस्टिंग कर दी उसकी फोटोज़, उसकी फ़ोटो के साथ वीडियोस खराब लगा दी, इस तरीके से डेरोगेटरी कर दिया, कुछ रिमार्क्स दे दिए, जेंडर है कोई, मेल है फीमेल है, या रेस है, या कुछ रिलीजन के बारे में किसी के खराब खराब लिख दिया, या किसी की नेशनैलिटी के बारे में, नागरिकता के बारे में खराब खराब लिख दिया, इस तरीके से साइबर बुलिंग होती है। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे साइबर क्राइम होता है। इन रियल लाइफ में क्या होता है, जब हम सुनते हैं कि किसी ने किसी की रॉबरी हो गई प्रॉपर्टी की, किसी की प्रॉपर्टी को किसी ने रॉबरी रॉबरी हो गई है, तो उसमें साइबर वर्ल्ड में क्या होता है, क्रिमिनल क्या करते हैं, उसकी उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी की रॉबर रॉब करने के लिए, स्टील करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। वो क्या करते हैं, एक पर्सन के बैंक की डिटेल को जान लेते हैं, उसके विड्रॉल मनी कर लेते हैं उसके अकाउंट से, मिसयूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड के पर्सन का, स्पॉइल कर देते हैं उसके सिस्टम को, और मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ख़राब कर देते हैं, इस तरीके से वो उसकी प्रॉपर्टी को ख़राब कर देते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, और किसी की आइडेंटिटी को कैसे ख़राब करना है, किसी का बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, तो उसकी इमेज को कैसे ख़राब करते हैं। इट रेफर टू द एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड मिस यूज समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली और उसके क्या करा, उस इंसान को इंटरनेट में उसकी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है या कोई कैश ट्रांजेक्शन उसका हो रहा है और बैंकिंग सर्विसेज हैं, इस तरीके से भी उसको उसकी आइडेंटिटी को ख़राब कर देते हैं, स्टोल कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, जनरली इंक्लूडिंग ए पर्सन के नाम है, किसी के नाम के साथ अपना नाम लगा के, उसके नाम के साथ नाम लगाने के बाद में उसके नाम को बदनाम कर दिया, या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ किसी और की डेट ऑफ बर्थ लगा के, या किसी का अकाउंट नंबर है, या क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर है, एटीएम पिन किसी का चुरा लिया, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो मिसयूज़ हो जाती हैं, जेन्यून डॉक्यूमेंट्स हैं किसी के, बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ कर लिया, चुरा लिए, न्यू क्रेडिट कार्ड को परचेज़ कर दिया, विड्रॉल कर लिए मनी को, उसका पासवर्ड मिल गया गेट उनको, या ड्राइविंग लाइसेंस को, विक्टिम का नेम है ड्राइविंग लाइसेंस और उसका उसके नाम के उसके ड्राइविंग लाइसेंस का मिसयूज़ कर लिया। हैकर स्टील कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को ईदन थ्रो हैकिंग द न्यू नेटवर्क के थ्रू एक पर्सन के कनेक्टेड और टू ए प्लेसिंग ए सॉफ्टवेयर, या अननोनली पर्सन के कंप्यूटर में कुछ कुछ खराब चीज़ें भेज दी। अब हम देखते हैं फिशिंग क्या होता है। ये एक प्रकार की हम लोग जब ईमेल को भेजते हैं यूज़र को, तो उसकी मिसलीडिंग हो जाती है, वो यूज़र ये उसको ये विश्वास होता है, वो ट्रस्ट करता है पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन सही है अच्छी है, लेकिन क्या होता है जब यूज़र विजिट करता है वेबसाइट में जाता है किसी, और जब वहाँ पे अपडेट करता है अपनी पर्सनल डिटेल को, तो क्या होता है वहाँ पर यूज़र के नाम या पासवर्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल को
या उसकी चीज़ों को वेबसाइट के थ्रू कमिट हो जाता है क्राइम्स, और उसके नाम को चुरा के उसकी आइडेंटिटी के बदले किसी और की उसकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है, और उसके बदले किसी और की आइडेंटिटी का उसकी आइडेंटिटी के साथ में कुछ खराब खराब चीज़ें करने लगते हैं। फार्मिंग क्या होता है, ये भी एक प्रकार का अटैक होता है, एक पीस ऑफ मैलिशियस कोड होता है, उसको इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। और एक सर्वर होता है जिसमें मिसडायरेक्ट कर देते हैं यूज़र को, फ्रॉड 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 कर देते हैं उसके साथ में उसकी वेबसाइट में, और उसकी जो नॉलेज होती है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको वो जान लेते हैं, और उसके पासवर्ड को, उसके अकाउंट नंबर को, और फार्मिंग इस तरीके से उसकी चीज़ों को स्टील कर लेते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे साइबर क्राइम होता है, ये प्लान कर लेते हैं, पहले ही प्री प्लान होता है। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो क्या करते हैं, उसको अटैक कर देते हैं उसके, और उसकी जो जो कंप्यूटर नेटवर्क है या उसका मिसयूज़ कर लिया, इस प्रकार की कैटेगरी में पैनिक हो जाता है जो सिविलियन होता है। और इस कैटेगरी में क्या होता है, क्रिमिनल क्या करता है, हैक करता है गवर्नमेंट की वेबसाइट को, मिलिट्री वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसे सर्कुलेट कर देता है, प्रोपेगेंडा बना देता है। ट्रांसमिटेड वायरस, अब क्या होता है, कई बार किस तरीके का होता है, आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में इसमें वायरस जो है ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सेटअप प्रोग्राम होता है, जो डिस्टर्ब करता नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर का, जो नॉर्मल फंक्शन है उसे डिस्टर्ब कर देता है। ये वायरस इन्फेक्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है डेटा को, जैसे कि बायोलॉजिकल वायरस होता है, ये एंटर करता है होस्ट यानी कंप्यूटर में विदाउट परमिशन, और नॉलेज भी नहीं होती होस्ट को। और जो वायरस की फुल फॉर्म जैसे हम देखते हैं क्या होती है, ये होती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और इसमें एसेंशली क्या होता है, आपके कुछ रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मेमोरी है आपके कंप्यूटर की, प्रोसेसिंग स्पीड है, डेटा है, प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है वायरस एंटर कर जाता है सिस्टम में, और वायरस प्रोग्राम क्या करते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं और कंटिन्यूसली एक्सपेंड देयर रीच द इन्फेक्शन मोर एंड मोर कंप्यूटर। और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में अंदर अंदर ये वायरस कंप्यूटर की फाइल में चला जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो लॉस हो जाती है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, आपका डेटा ख़राब हो जाता है। इस तरीके से क्रिएटिंग ए कंप्यूटर वायरस, वायरस में कंप्यूटर में वायरस को ये क्रिएट करते हैं, उसे स्प्रेड कर देते हैं, पूरे साइबर क्राइम जो होता है ये इस तरीके से कार्य करता है। ऑलमोस्ट ऑफ द वायरस जो है अटैक करता है आपकी एग्जीक्यूटिंग फाइल में, और इसका मतलब वायरस एग्जिस्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर में और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को, जो आप रन करते हैं अपनी मायलेशियस प्रोग्राम को, उसे ये ख़राब कर देता है। ये वायरस कितने प्रकार का होता है, जैसे बूट सेक्टर वायरस होता है, और मल्टी पार्टाइल वायरस होता है, पोलीमोर्फी वायरस होता है। तो देखते हैं बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ये ऐसा डैमेज कर देता है बूट सेक्टर को, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव को ये डैमेज कर देता है। जब डिस्क और हार्ड ड्राइव आपकी क्या होती है, इसमें कुछ सेक्शन होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जब फाइल जो होती है फाइल सेक्टर में को हम बूट सेक्टर बोलते हैं, और इसमें क्या करता है, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब रीड करते हैं अपनी फाइल को या लोडिंग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमारे इसमें फाइल में वायरस चला जाता है बूटिंग करते समय मशीन में भी, और हमारी ये डेटा को हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोग्राम फाइल वायरस क्या होता है, ये एक ऐसा वायरस होता है इन्फेक्ट करता हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जो हमारी प्रोग्रामेबल फाइल होती है, प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ये इन्फेक्ट कर देता है। जैसे एक्सटेंशन है हमारा लाइक .com या ओवरलैड ड्राइव सिस्टम है, इस प्रकार की प्रोग्राम लोड होते हैं इन द मेमोरी में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और ये वायरस क्या होता है, एक्टिव होता है मेमोरी में और रिप्लिकेट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है दूसरी फाइल को भी डिस्क में, और इंटेंशन और कॉजिंग परमानेंट डैमेज कर देता है हमारी अनरीडेबल जो फाइल होती है, अनरीडेबल हो जाती है। अब हम देखते हैं मल्टी पार्टाइल वायरस क्या होता है। मल्टी पार्टाइल वायरस ये हाइब्रिड ऑफ ए वुड सेक्टर प्रोग्राम में फाइल के वायरस होता है, जो स्प्रेड हो जाता है मल्टीपल कई तरीके से, अलग अलग तरीके से ये हमारे फैल जाता है। द वायरस गेट एंट्री, वायरस जो होता है कंप्यूटर में एंट्री कर जाता है और क्या होता है हमारे सिस्टम में, और इन्फेक्ट कर देता है मीडिया और हमारी जो
साइट्स होती हैं अंदर के कंप्यूटर की, जो मेमोरी होती है उसे ख़राब कर देता है। फिर क्या होता है, ये वायरस मूव करता है हार्ड ड्राइव की तरफ जाता है, इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर को, जब हम स्टार्ट करते हैं स्प्रेडिंग करता है हमारे सिस्टम को, इन्फेक्ट कर देता है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को। पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है, जैसे कि हम नाम से हमें पता चल रहा है, पॉली माने ढेर सारे, मॉर्फी माने फॉर्म्स, कई इसके फॉर्म होते हैं इस वायरस के। जैसे कि जब हम टाइप करते हैं अपने, एग्जिबिट्स इट्सेल्फ डिफरेंट फॉर्म एवरी टाइम, हर बार ये वायरस नई नई इसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं और ये हमारी फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, बाइनरी पैटर्न को हमारे ख़राब कर देता है, चेंज कर देता है, अवॉइड कर देता है। डिटेक्शन बाय एंटीवायरस प्रोग्राम हम लगा के इसको हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क वायरस क्या होता है। नेटवर्क वायरस रेपिडली, बहुत ही जल्दी हमारी फाइल में, लोकल नेटवर्क लान एलियन मतलब लोकल नेटवर्क एरिया में बहुत जल्दी ये वायरस फैल जाता है। एम्स और समटाइम क्या होता है, इंटरनेट में क्या होता है, जनरली जब नेटवर्क वायरस मल्टीपल तरीके से शेयर हो जाता है और ड्राइव में चला जाता है, फोल्डर में चला जाता है और इन्फेक्ट करता कंप्यूटर को, सर्च करते हैं जब हम नेटवर्क में तो ये अटैक कर देता है हमारे पोटेंशियल प्रे में और वायरस फिनिश करता है इन्फेक्टेड इन्फेक्टिंग दैट कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को वायरस फिनिश कर देता है, मूव करता है नेक्स्ट और आगे जाता है और साइबर में और साइकिल रिपीट होती रहती है इसकी। इस तरीके से ये डैमेज कर देता हमारे नेटवर्क वायरस, निम्डा एंड एसक्यूएल स्लैम्पिंग। अब हम देखते हैं माइक्रो वायरस क्या होता है। माइक्रो वायरस जो होता है ये किससे एसोसिएटेड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है माइक्रो वायरस में, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जब हम इसे ओपन करते हैं तो इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा माइक्रो वायरस और हमारा डॉक्यूमेंट इन्फेक्टेड हो जाता है। माइक्रो वायरस लोडेड होते हैं जब मेन मेमोरी हम करते हैं, डिस्ट्रॉय करता है डेटा को जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। इस तरीके का वायरस जो होता है सिक्वेंशली जब हम देखते हैं तो परमानेंटली ऑटोमेटिकली ये हमारी एप्लीकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, माइक्रो वायरस हमारी हमारे कंप्यूटर को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारी एप्लीकेशन को इन्फेक्टेड कर देता है। साइबर वैंडलिज्म क्या होता है, ये क्रिएटिंग होता है मैलिशियस प्रोग्राम में, हार्मफुल होता है टास्क में, जब हम फिजिकली हार्म होते हैं एक कंप्यूटर और एनी ऑफ इसके पार्ट्स को, ये पुटिंग करता मालवेयर ऑन ए कंप्यूटर जो इरेज कर देता हार्ड ड्राइव को, डेटा को स्टील कर देता, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। अब हम देखते हैं हैकिंग क्या होता है। हैकिंग जो है रेफर करता है इलीगल एंट्री इनटू ए कंप्यूटर में, इलीगल एंट्री होती है इसकी और ये हमारे सिस्टम और नेटवर्क में जाता है। हैकर्स क्या करते हैं, लिखते हैं यूज रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसमें अटैक इस तरीके से अटैक हो जाता है, टारगेट कर देते हैं कंप्यूटर्स को। और सम हैकर क्या करते हैं, जस्ट इंजॉयमेंट के लिए कुछ करते हैं अपने, और कुछ क्या करते हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग करते हैं और आपकी स्टील कर देते हैं क्रेडिट कार्ड को, इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसफरिंग मनी, आपकी मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं अलग अलग बैंक में, अकाउंट में, और स्टील करते हैं सेंसिटिव आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं। इस तरीके से ये आपके चीज़ों को हार्म कर देते हैं। साइबर स्क्वैटिंग किसको बोलते हैं, ये रेफर करता है आपकी गुडविल को और ट्रेडमार्क जो आपका होता है उसको, आपकी गुडविल को ये ख़राब कर देते हैं साइबर स्क्वैटिंग। फॉर्जरी क्या होती है, इमिटेट करती है, मेक करती है खराब, फॉल्स कॉपी होती है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम हटा के किसी और का नाम दे दिया जाता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, करेंसी नोट है, चेकबुक है, आपकी चेकबुक में मिसयूज़ हो गया, फॉर्जरी हो गई, पासपोर्ट आपका, पोस्टल रेवेन्यू स्टैम्प है, मार्कशीट है आपकी, आपकी मार्कशीट आपका नाम लिखा गया है तो आपका नाम हटा के किसी और का नाम लिख दिया और आपकी मार्कशीट उसके पास पहुंच जाती है, इस तरीके से फॉर्जरी होती है। साइबर एक्सटॉर्शन क्या होता है, ये भी एक क्राइम होता है, विक्टिम जब अटैक करता है डैमेज कर देता है आपका पे मनी को, आपके स्टॉप करता है अटैक को, साइबर एक्सटॉर्शन क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है सिस्टम को और विक्टिम जो है रैंसमवेयर और डेनियल ऑफ सर्विस DOS अटैक कर देता है। हैकर ईमेल का मिसयूज करता है, कमिट करता है क्राइम को, इस तरीके से फेक ईमेल जो है आपके बना के आपकी चीज़ों को ख़राब कर देता है। साइबर टेररिज्म, ये टेररिज्म ये यूज़ करते हैं, कंडक्ट टेररिज्म थ्रू द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर जो होता है इंटरनेट में, और इसमें क्या होता है फेयर, हम डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हर हम क्या करते हैं लार्ज स्केल पर
इंटरप्शन हो जाता है कंप्यूटर का, टेली कम्युनिकेशन जो हमारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसे ये ख़राब कर देता है। गवर्नमेंट और इट्स इसके जो पीपल होते हैं फुलफिल सम सोशल या रिलीजियस या पॉलिटिकल तरीके से वो हमें ख़राब करता है और अटैक करता है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, मिलिट्री की जो सूचनाएं होती हैं उसको ये क्या करता है अटैक करके उसकी सूचनाओं को, उसकी जो गोपनीय चीज़ें होती हैं उसको दूसरे लोगों तक पहुंचा देता है। जो हमारे पावर प्लांट है उन्हें ख़राब कर देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसको भी ये स्टील कर लेता है कि कौन सा जो है प्लेन किस साइड जा रहा है उसका, उसमें अटैक करवा देता है, बैंक में करा देता है। और भी कई एग्जाम्पल है साइबर टेररिज्म के। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? ये कलेक्शन होता है कुछ टेक्नोलॉजी की जो हम इस तरीके की चीज़ों को रोक सकते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस होता है और प्रैक्टिस करी जाती है, डिज़ाइन इस तरीके से करा जाता है ताकि नेटवर्क के थ्रू, ताकि इसे कोई चुरा ना सके, स्टील ना कर सके। हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ डेटा है और इसमें जब वो अटैक करते हैं, डैमेज करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कई चीज़ें होती हैं उसको ये साइबर सिक्योरिटी इसको बचाता है। अब हम एंटीवायरस के, ये होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का जो जो डिज़ाइन करा जाता है हमारी आइडेंटिटी या प्रिवेंट करता है, रिमूव वायरस हमारे कंप्यूटर में से वायरस को एंटीवायरस जो है रिमूव कर देता है। और ये कुछ हमारे कंप्यूटर के टास्क है, जैसे स्कैन करता है कंप्यूटर की फाइल को और देखता है कि वायरस कहाँ पर है, आइडेंटिफाइज करता है सस्पिशियस बिहेवियर को, देखता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को और इंडिकेट कर देता है कि कहाँ पर इन्फेक्शन है। कुछ स्कैन करता है हमारी इनकमिंग ईमेल को, देखता है कोई ख़राब फॉल्स ईमेल तो नहीं आ गई हमारे पास में। इस तरीके से ये वायरस को अटैचमेंट हमारे में कहाँ पे वायरस अटैचमेंट है उसको देखता है। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे हम नाउडे हो रहे हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैक फ्री AVG एंटीवायरस है, क्विक हील है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, कुछ तरीके इस तरीके से एंटीवायरस हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसके फीचर्स हैं, इसके क्या गुण हैं एंटीवायरस के। ये फुल सिस्टम स्कैन करता है, हमारा जो सिस्टम होता है एंटीवायरस फुल सिस्टम को स्कैन कर लेता है, कस्टम जो होता है उसको स्कैनिंग कर लेता है। वायरस की डेफिनेशन क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है वायरस की डेफिनेशन, यानी ये आइडेंटिटी करता है मालवेयर को। और इसमें क्या रीज़न होता है कि रेगुलर अपडेट करता रहता है न्यू वायरस डेफिनेशन को। एक्शन टेकन बाय एंटीवायरस क्या करता है, एक्शन लेता है, ये तीन प्रकार के एक्शन लेता है, जैसे रेपिड एक्शन होता है, डिलीट करता है, क्वारंटीन करता है, रिपेयर करता है। रिपेयर माने ये हमारे जो वायरस जहाँ पर हमारी चीज़ों को ख़राब कर देता है उसे ये रिपेयर करता है, और जो इन्फेक्टेड फाइल होती है उसे डिलीट कर देता है। क्वारंटीन मतलब जहाँ पर वायरस लगा होता है जिस चीज़ को, जिस प्रोग्राम में, उसको ये क्या करता है सेपरेट कर देता है उस फाइल को, और उस फाइल को सेपरेट करके उस, ताकि वायरस और फाइल में ना जा सके, इसलिए इसको क्वारंटीन कर देता है। अब हम देखते हैं फायरवॉल क्या होता है, ये भी एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है फायरवॉल भी। इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को और प्रिवेंट माने बचाता है अनऑथराइज यूज़र से, और गेनिंग करता है, असेस करता है नेटवर्क की और इंटरनेट की चीज़ों पर। फायरवॉल ये क्या करता है, इट कैन ईदर बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो दोनों होते हैं उनके कॉम्बिनेशन का बना होता है, इम्प्लीमेंट करता है गेटवे ऑफ ए नेटवर्क में और फॉलो करता है कुछ स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स को, डिफाइन करता है यूज़र को और नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको देखता है। बेस्ड ऑन दिस रूल, इसमें क्या रूल होते हैं कि ये कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, कौन, फायरवॉल्स। इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, ये जब हम ट्रांसमिट अपना डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट मतलब भेजते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो ये लॉस हो जाता है, डेटा की प्राइवेसी लॉस हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारी प्राइवेसी को, डेटा को अनऑथराइज लोगों से, अनऑथराइज टेक्निक, इसको हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को और उसे इजीली अंडरस्टूड करता है किसी के लिए। और इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हम जब प्रोड्यूस करते हैं अपने टेक्स को, तो इसे सिपर भी बोलते हैं, सिपर टेक्स बोलते हैं। तो जब हम इसको मैसेज को रीड करते हैं तो डिक्रिप्टेड जो होती है सॉफ्टवेयर, ये इसे रिसीव करता है। इस तरीके से जो रिसीविंग होती है उसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जैसे कि GNU PG और GPG, इसको हम इनक्रिप्शन डेटा फाइल या ईमेल में यूज़ कर सकते हैं। बायोमेट्रिक के बारे में हम देखेंगे, बायोमेट्रिक क्या होता है, ये एक सेफेस्ट मेथड होता है
अनऑथराइज जो होते हैं उनसे ये हमें बचाता है बायोमेट्रिक, और ये इंडिविजुअल भी बचाता है। बायोमेट्रिक एक पर्सन क्या करता है, जब वेरीफाई करता है अपने नाम को, यूनिक आइडेंटिटी को या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को, तो बायोलॉजिकली तो ये आइडेंटिफाई करता है पर्सन को, ये वही पर्सन है। रेटिनल स्कैन कर देता है, उसकी फिंगरप्रिंट, जैसे हम अपना फ़ोन चलाते हैं, हम अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हैं या अपना फेस दिखाते हैं या अपना फिंगरप्रिंट देते हैं, तो जब हमारा अपना फिंगरप्रिंट लगेगा, हमारा फेस लगेगा, या हमने जो उसमें नंबर्स डाले हैं, तो जब हम वही नंबर डालेंगे तभी हमारा फ़ोन खुलता है, फ़ोन या कंप्यूटर या हमारा पासवर्ड मांगता है, तभी हम अपने लैपटॉप को चला सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन इसको नहीं चला सकता है। वो स्कैन कर लेता है फिंगरप्रिंट को, वॉइस में से, वॉइस को भी हम लोग कई बार वॉइस करके भी अपने फ़ोन को खोलते हैं, तो ये हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है। इस तरीके के से बायोमेट्रिक जो है हमें हेल्प करता है हमारे डेटा को सेव करने के लिए। पासवर्ड, हम जब हम पासवर्ड डालते हैं, नंबर होते हैं कुछ या कुछ सिंबल्स होते हैं, तो ये सपोर्ट करता है हमारे पासवर्ड को। कंप्यूटर में जब हम डालते हैं, गारंटी होती है कि ये जो सिस्टम में जो हमने पासवर्ड डाला है वो चलाने वाले वो हम अब वही हैं या कोई दूसरा पर्सन है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, स्ट्रॉन्ग बनाता है पासवर्ड को और जो हम यूज़ कर रहे हैं। बैकअप जो होता है, बैकअप जो ऐसी सिस्टम होता है जो हमारे जो हमारा डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं उसको बैक ले आता है दोबारा से, जिसका यूज़ हम रिस्टोर कर लेते हैं ओरिजिनल डेटा को, इन एनी केस और लॉस नहीं हो सकता हमारा डेटा। इस तरीके से जो कॉपीज़ हमारी बैकअप हो गई हैं उन्हें हम बैकअप से ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अपनी फाइल को, और डिलीट जो एक्सीडेंटली हमारी या करप्टेड फाइल हो जाती है वायरस के थ्रू, तो उसे हम बैकअप भी कर सकते हैं। कुकीज़ जो होती है, एक ऐसे टेक्स्ट मैसेज होता है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में हमें मिलता है। वेब ब्राउज़र सर्वर में क्या होता है, यूज़र जो स्पेसिफिक डेटा में क्या होता है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, इस तरीके की फाइल को कुकीज़ बोलते हैं। दिस फाइल इज़ लेटर यूज बाय द ब्राउज़र और प्रपेयर करते हैं, कस्टमाइज करते हैं वेब पेज में, और यूज़र जो नॉट रिक्वायर्ड करता फाइल स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन में, एनी टाइम हम इसे परचेज कर सकते हैं अपने गुड या सामान को। कुकीज़ आर अदरवाइज सेफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच कैन बी डिलीटेड, हम कहीं पर भी उन्हें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं प्रोड्यूस होता है हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, तो हमें इसे अनऑथराइज पर्सन के थ्रू तो हमें इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हैकर जो होता है कुकीज़ को गेन एक्सेस टू द यूज़र सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं और मिस यूज़ होता है, कमिट फर्दर क्राइम्स होते हैं, इसे हम एडवाइस हमें देते हैं तो हम इसे डिलीट कर लें, जब हम इसे इस्तेमाल कर लें यूज़ कर लें, और इस तरीके से अवॉइड हो जाता है, कई प्रकार की हमारी प्राइवेसी होती है, उसे हम थ्रेड होने से बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।